हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू पेबल्स लाइव सीबीएसई इन हिंदी। तो अपने लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया था, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कंटिन्यूएशन था। तो स्टार्ट करते हैं टू भीम बेदकर। तो जो फटाफट मैं क्विक आपको रिविजन देती हूँ इस लेसन का। दिस लेसन कंसिस्ट ऑफ कि स्कूल के बच्चे जा रहे हैं पिकनिक पे, वो मिनी बस में गए हैं टू भोपाल और अभी तक वो भीमबेटकर पहुँचे हैं और जो भी उनके रिलेटेड सम्स थे वो हमने सब सॉल्व आउट किए थे। तो अब इससे रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द बसेज आर रीफिल द जर्नी स्टार्ट्स अगेन। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटकर। वॉट इज भीमबेटकर? अब बसेस लास्ट में बसेस रिफिल हो गई थी, हमने देख लिया था कितना टाइम 30 मिनट्स आपका रिफिलिंग में लगा था। अब जो हो गया है वो भीमबेटकर में रुके हैं। अंजन, व्हाट इज भीमबेटकर? मिस रायना, इट इज अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग मेड बाय पीपल 10,000 ईयर्स अको। सुमंतो, 10,000 ईयर्स? आई कांट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर बैक। गोपी, ओ 1,000 ईयर इज अ बिग थिंग, आई कैंट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स। गौरी, आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज 100 ईयर्स ओल्ड। मंजीत, दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड मदर ईयर्स ओल्ड। अब बच्चों का कन्वर्सेशन चल रहा है, वो भीमबेटकर पहुंच चुके हैं। तो भीमबेटकर एक जगह है जहाँ पे ओल्ड पेंटिंग्स हैं, केव्स हैं जो 10,000 ईयर्स पहले बनाई गई हैं। तो आपस में बच्चे कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है और मेरी जो फादर की ग्रैंड मदर हैं वो 100 ईयर्स ओल्ड हैं। तो मजाक कर रहे हैं कि 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ईयर ओल्ड ये केव्स हैं। सो नाउ चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग। इट्स अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटकर। अब 11 बजे वो भीमबेटकर पहुँचे हैं। द पेंटिंग्स ऑल्सो हैज़ वेरी बिग बाइसन्स। हे आई गॉट एन आइडिया, आई विल काउंट द बाइसन्स एंड यू कैन काउंट द डियर इन द पेंटिंग। आई विल काउंट द पीपल, लेट अस सी विच आर द मोस्ट बाइसन, डियर और पीपल। तो अब बच्चे काउंटिंग कर रहे हैं बाइसन्स की, डियर्स की और जो भी पेंटिंग में उन्हें नज़र आ रहा है, जो भी वो काउंट ऑफ करना चाहते हैं, पीपल की, वट एवर द थिंग्स। हाउ मेनी मोर डियर्स आर देयर इन बाइसन? तो अभी जो कैलकुलेशन बच्चों ने स्टार्ट की है वो कुछ इस तरह से गई है। 34, 35, 36, 37 ये बाइसन्स उन्होंने काउंट ऑफ किए अप टू इन्फिनिटी, एक एक करके बढ़ता जा रहा है। और जो उन्होंने डियर काउंट किए हैं वो किए हैं 112, 113, 114, 117 and so on डियर्स काउंट ऑफ हो रहे हैं। ओके, तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी मोर डियर्स आर देयर देन बाइसन? बाइसन से ज़्यादा कितने ज़्यादा डियर्स हैं? तो डियर का जो रेशियो बताया गया है वो आपको 117 बताया गया है और बाइसन का जो रेशियो बताया गया है वो 37 बताया गया है। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, हाउ मेनी मोर डियर्स आर देयर देन बाइसन? कितने ज़्यादा डियर्स हैं बाइसन से ज़्यादा? तो पहले अगर हम दिस माइनस दिस करेंगे तो हमें रेशियो मिल सकता है ईजली कि डियर्स का कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो नंबर ऑफ डियर माइनस नंबर ऑफ बाइसन, दैट इज 117 माइनस 37। तो चलिए माइनस करते हैं, 117 माइनस 37, 770। अब यहाँ से वन बोरो करेंगे हम, क्योंकि वन में से तो थ्री जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 माइनस 3 दैट इज 880। तो आंसर इज हाउ मेनी मोर डियर्स आर देयर देन बाइसन? 80 मोर डियर्स आर देयर देन बाइसन। ठीक है, क्लियर है आपको?
अब बढ़ते हैं आगे. बट बोनोमाला इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन टुगेदर. हेयर काउंट इज लेस देन 200. हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोनोमा हैव काउंटेड? अब आपसे इस लाइन में आंसर बता दिया गया है और आपको काउंट ऑफ करना है. तो पहले देखते हैं क्या है. 37 बाइसन्स हैं एंड 117 डियर हैं. बट बोनोमाला इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर. मतलब डियर का नंबर है 117, इससे ज्यादा है, मोर है. ओके, देन नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन्स टुगेदर. मतलब ये और ये मिला के इतने पीपल हैं. हाउ काउंट इज लेस देन 200 और काउंट आ रहा है आपका लेस देन 200. ठीक है, तो पहले हम इनका एडिशन करते हैं. कितना आएगा? 117 एंड 37 को अगर हम ऐड करें, जो हमें बताया है वहां पे, इट इज 14 45 154. ये दोनों टुगेदर आ रहे हैं 154. तो हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोनोमा हैव काउंटेड? और रेशियो आ रहा है लेस देन 200, इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन टुगेदर. मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन टुगेदर मतलब इनको ऐड करने के बावजूद उससे भी ज्यादा नंबर आ रहा है. तो इन्हें ऐड करके हमारा आ रहा है 154. ओके, तो जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा. इनका टोटल आ रहा है 154. मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. आपसे पूछा गया है हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमाला हैव काउंटेड. हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमाला हैव काउंटेड? ठीक है, और जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वो कुछ ऐसे दे रखे हैं, 214, 154, 134 और 177. अब क्या क्लॉज दे रखा है कि जो टोटल है वो डियर और बाइसन का मिला के ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है लेकिन 200 से कम है. तो हमने इन दोनों का टोटल किया और हमारा आया 154. तो 154 तो ऑलरेडी है, तो 134 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये से कम है. सो दिस इज कट, दिस इज कट, और 200 से नीचे है. ये भी क्लॉज डाला है कि वो 200 से नीचे है. हर काउंट इज लेस देन 200, उससे 200 से कम है, तो 214 भी नहीं हो सकता. तो क्या बचा? 177. 177 इज द आंसर. ओके, आई होप सो आपको समझ आया होगा. द गाइड टेल देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग इन ऑल. इट इज टाइम टू लीव भीमबेटका. अब गाइड ने उन्हें बोला है कि 600 केव पेंटिंग है टुगेदर और इट इज अ टाइम टू लीव भीमबेटका. अब भीमबेटका छोड़ना है. सो दे हैव स्पेंड 1 आवर देयर, वट टाइम इज इट? तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का. तो क्वेश्चन है, दे हैव स्पेंड 1 आवर देयर, वट टाइम इज इट? दे हैव स्पेंड 1 आवर देयर, वट टाइम इज इट? अब अगर आप पीछे चलें तो भीमबेटकर जब पहुंचे थे तो उन्होंने आपको बताया था इट इज 11. नाउ द टाइम इज 11 o'clock. पेज नंबर 28 पे अगर आप लास्ट लाइन देखें, नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग. इट इज अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका. तो जब वो रीच हुए वहां पे तो कितना टाइम था? 11 o'clock. तो अब 1 आवर उन्होंने वहां पे स्पेंड किया है, तो व्हाट इज द टाइम नाउ? 12 o'clock. तो क्या टाइम है वहां पे? 12 o'clock. Obviously, 1 hour, 12 o'clock. They are now moving towards Bhopal. They should reach there in less than 1 hour.
एट अबाउट डैश ओ क्लॉक. अब दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल. दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 आवर. एट अबाउट कितनी देर? दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल. दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 आवर. एट अबाउट कितने बजे तक? 12:45 तक. ओके सो दे कैन रीच देयर टिल 12:45. ओके नाउ आई होप सो ये टाइम का आपको क्लियर हो चुका है. अब बढ़ते हैं आगे.